कैसा लग रहा हूँ दोस्तों मैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मैंने लिए हैं नए कपड़े, तो देख लो। तो मैंने अपने भाई को भी दिखा दूँ कि भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, तो भाई लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल अखंड भारत ट्रेवलर 022। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? खैर आप तो अच्छे होंगे, दिन तो हमारे ही ख़राब चल रहे हैं। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जो अपने बांदर से मतलब भाई 70 या 75 किलोमीटर दूर है। और भाई सबसे मेन जो ऐसा अपने चैनल का मोटिव है कि अखंड भारत काल टाइम के जो भी मतलब चीज़ें हैं, अखंड भारत पहले मतलब कैसा था और अभी कैसा है, तो वैसे हमको अखंड भारत घूमना है। तो भाई वही चीज़ है। तो हमने एक कल अपने फ़ोन में बढ़िया सर्च किया, तो हमने एक जगह निकाली जो अखंड भारत काल टाइम की है। तो भाई वो जगह मैंने सोचा कि आप लोग को लिवा के चला जाए। वैसे दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 11:40, तो पहले मैं सोच रहा था कि मतलब जल्दी उठे, पर यार पता है सुबह सुबह जल्दी उठ नहीं पाना होता है। मैं कोशिश तो करता हूँ पर उठ नहीं पाता हूँ भाई। तो पहले मैं उठा वही 7:30 के आसपास, तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट और आराम कर लेते हैं, अभी 7:30 है फिर निकलेंगे। तो भाई जहाँ 5 मिनट का काम समझते हो ना, 5 मिनट के लिए अगर सोए तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो भाई ये समझ लो कि अपन सोते ही रह गए। हम उठे फिर भाई 9 बजे, तो फिर 9 बजे जब उठे तो भाई जल्दी जल्दी नहाया वहाया, फिर थोड़ा भाई को फ़ोन किया कि भाई चलना है, ऐसा ऐसा प्लान है। तो फिर भाई को भाई टाइम तो लगता है, अब देखो नाश्ता वास्ता करने में नहाने में है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम आने वाले हैं ऐसी जगह जो अखंड भारत काल टाइम की है ना। तो भाई हम उस जगह आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। भाई साहब चेक करो, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा भाई, वो पूरा का पूरा ना किला है। और भाई इस किले की तुलना पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना उससे की जाती है, क्योंकि भाई इसकी शाखाएं ना बहुत दूर दूर तक फैली हैं। भाई जैसे कि आपके सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये भाई बहुत दूर तक इसकी दीवारें फैली हुई हैं भाई। और इसकी भाई पता है इसकी दीवारें कम से कम नहीं तो 5 मीटर मोटी। और भाई इसकी ऊँचाई इस दीवारों की मतलब इस किले की दीवारों की ऊंचाई कम से कम नहीं 108 फीट ऊंची दीवारें हैं। अब समझ लो भाई ये ऐसा किला है कि मतलब इसको भाई जीतने के लिए ना बहुत लोगों ने कोशिश की पर जीत नहीं पाए। तो चलते हैं हम लोग इस किले के अंदर, बाकी बातें हम लोग इस किले के अंदर चल के करते हैं और भाई हिस्ट्री का आनंद उठाते हैं। जैसे ही आप इस स्पॉट के अंदर विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे, पहली बात तो ये देखेंगे कि मतलब ऐसा गेट मिलेगा हमको, उधर से मतलब टिकट कटवाना पड़ेगा और 2 टिकट मिलेंगे हमको। मतलब हम लोगों के लिए है, भारतीय लोगों के लिए है टिकट 25 रुपये, और जो विदेशी लोग हैं उनके लिए 300 रुपये है। तो भाई जानते हो विदेशियों ने हमको पहले लूटा, अब हम इनको लूटेंगे, बनी बात है लूटेंगे। तो भाई अब इधर पे बहुत कुछ चेंज हो गया है, पहले मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, अब इधर पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो जैसे कि आप थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है पूरे कलिंजर फोर्ट की पूरा नक्शा। तो भाई इस तरह मतलब पूरा कलिंजर किला फैला हुआ है, इतना बड़ा है, आप पूरा देख सकते हैं। और ये हिंदी में है तो आप इधर से जानकारी ले सकते हैं, और ये इंग्लिश में है तो आप इधर से ले सकते हैं। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो इतने सारे प्लेसेस हैं इसके, अब ये समझ लीजिए 47 प्लेसेस हैं इसके। तो भाई बहुत बड़ा है, हम एक बार में पूरा इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये इंग्लिश से नाम है और ये हिंदी से नाम है, तो आप वीडियो पुश करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो हम जैसे ही टिकट घर से थोड़ा सही आगे आए तो हमको भाई कुछ इस तरह का व्यू मिलता है, चेक करो गाइस। और ये है कौन सा बाबा मंदिर है? बंकट बिहारी का मंदिर। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो भाई हमने थोड़ा सा नेट पे सर्च किया था, तो भाई हमको ये पता चला था
जब चंदेल वंश का शासन चल रहा था तो यहाँ पर राज दरबार में एक लड़की थी जिसका नाम था पद्मा। तो भाई वो मतलब भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। इधर पे रात होती है तो भाई एक अलग तरीके से वीरानगी टाइप की छा जाती है और इधर पे घुंघरू की आवाज़ आती है ना। तो भाई जो वो पद्मा नाम की जो लड़की थी वो भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि भाई ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भगवान शिव के प्रति पूरी निष्ठा के साथ वो नृत्य करती थी। तो कहते हैं कि तब से इधर पे पहले मतलब शिवलिंग रहता था, अब तो यहाँ पे कुछ है नहीं जैसे कि आप देख सकते हो। तो भाई तो जब वो मतलब कहते हैं कि तब से और अब तक भाई 1500 साल हो गए, तब से अब तक बराबर घुंघरू की आवाज़ आती है, समझिए भाई। तो ऐसा लोगों का कहना है। हम रानी महल के अंदर आ चुके हैं तो आप देख रहे हैं रानी महल के अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है भाई। ये भाई रानी महल का दूसरे साइड का गेट है जहाँ से मतलब हम जहाँ से हम एंट्री किए थे वो पहला था और ये दूसरा है। और भाई इधर पे जो ये बना हुआ है ये आपको जो दिख रहा है खंडर खंडर टाइप सा, तो भाई ये पहले घोड़ों का रहने का मतलब जगह थी। पहले यहाँ पे मतलब घोड़े और हाथी यहाँ पे मतलब बांधे जाते थे। तो इस तरह का कुछ व्यू है भाई। अब तो कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये उधर से भी है इधर से तो मतलब आधा दिख रहा है। तो उस टाइम पे इधर पे घोड़े और हाथी वाथी बांधे जाते थे। ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, पर बहुत ऊंचाई से ये इधर से क्या है ये इधर से ये भाई देख लो, ये अपने मतलब पुराने टाइम का है ये शौचालय। तो कुछ इस तरह का भाई शौचालय होता था, दो लोग आराम से कर सकते थे, मतलब एक तरीके देखा जाए बड़ा घर। तो एक छेद ये है और बदबू जाने के लिए यहाँ से हवा पास होने के लिए ये जगह बनी हुई है। तो ये अभी तक हम बड़े घर में थे, अब चलते हैं भाई ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। तो उस टाइम के लोग तो भाई बनी बात है लंबे चौड़े थे तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। और यहाँ से जो है रानियाँ देखा करती थी। अच्छा। राजाओं को। हाँ तो भाई आप देख सकते हैं नीचे था बड़ा घर और यहाँ से आप नज़ारा चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना दोस्तों, यह है मोती महल। तो भाई इसकी हालत ना कुछ इस तरीके की हो रखी है। तो भाई देखो ये पूरा का पूरा खंडहर में बदल चुका है। तो भाई ये ना राजाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण किला था, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कि भाई कि मतलब ऐसा कहते हैं कि भाई अगर शेर शाह सूरी अगर ये किला इस किले को जीतने के चक्कर में नहीं मारा जाता तो भाई हम लोग जो मुग़ल के ग़ुलाम रहे तो भाई काश अगर नहीं होते। क्योंकि भाई जब शेर शाह सूरी इस किले को जीतने के चक्कर में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई इसकी दीवारें 108 फीट ऊंची हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई तोप के गोले भी मतलब इस किले को भेद नहीं पा रहे थे। तो ऐसा कहना है कि जहां पर मतलब शेर शाह सूरी जब इस किले को जीतने आया तो जब उनने तोप पे तोप छोड़े तो एक गोला वापस आ गया। तो जब उसी के पास वापस आ गया और जहाँ पे मतलब पूरा का पूरा बारूद का ढेर लगा हुआ था तो वहाँ पर ही गोला वापस आ गया। और किस्मत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब कि उसी बारूद के ढेर के पास शेर शाह सूरी खड़ा हुआ था। तो उस भाई जंग में शेर शाह सूरी मर गया, तो जिसकी वजह से मुग़लों को फिर से आक्रमण करने को मौका मिल गया। तो अगर शेर शाह सूरी ना मरा होता तो भाई हम लोग मुग़लों के ग़ुलाम नहीं होते। जैसे आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या है गोल गोल, तो भाई मैं आपको बता दूं ये उस टाइम पे यहाँ पे मसाल रखी जाती थी आग वाली। तो भाई समझो कि इसका छेद इतना बड़ा है तो इसमें काफ़ी बड़ी मसाल रखी जाती होगी। तो उस टाइम से भाई यहाँ से पूरा रोशनी फैलाता होगा मसाल, समझ रहे हो, जितनी भी मतलब उसकी क्षमता रहती है उस हिसाब से रोशनी फैलाता है। तो भाई सामने को आपको दिख रहा होगा पूरा व्यू। Oh my god.
अपने सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। बताइए आंटी जी, आंटी जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है खंड बारह टाइम का ये किला घूम के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी। और आप अकेले हैं कि और भी आप लोग के साथ हैं? मैं साथ ही हैं और भी है। अच्छा, तो आप खो गए इधर उधर है सारे? नहीं नहीं, खोइए मत, नहीं लग रहा है, निकलना किधर से? अच्छा हाँ जी, कहाँ से आए आप लोग? वैसे आप लोग किधर से आए हैं? बांदा से। बांदा से ही आए हैं? बांदा से तो हम लोग भी हैं फिलहाल। हाँ, तो वैसे आप इस किले के नीलकंठ मंदिर गए हैं आप? हाँ जी। दर्शन कर आए आप लोग? चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलो आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आंटी जी। नाम क्या है आप YouTube पे आप अखंड भारत ट्रेवलर के नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा जी। बाय बाय आंटी जी। आंटी जी से हमको बात करके आया बड़ा मज़ा, इसलिए क्योंकि हम थोड़ा से हैं शर्मीले और भाई थोड़ा सा टाइम लगता है हमको, है ना। तो आंटी जी भी थोड़ा कैमरे के सामने हिचकिचा रही थी और हम तो जैसे हिचकिचाते ही हिचकिचाते हैं, है ना। तो चलो भाई आ जाओ। दोस्तों अभी तो हम मतलब किले का समझ लो 100% में से 10% भी नहीं घूमे और हमने पसीना छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं कुंड में। तो भाई कहते हैं कि नील वंश के जो आखिरी राजा थे कीर्ति प्रताप, कीर्ति सिंह, तो भाई कहते हैं कि उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने जब इस कुंड पे नहाया था तो भाई कहते हैं कि मतलब इस कुंड में नहाने से उनका कुष्ठ रोग ख़त्म हो गया था। दोस्तों जैसे कि आप जब नीलकंठ मंदिर के दर्शन करने आएंगे तो सबसे पहले गेट आपको ये वाला मिलेगा, तो इसकी आप निकासी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से की गई है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी नष्ट हो गई हैं, पर जो कुछ चीज़ें बची हैं तो भाई वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप चारों ओर देख रहे होंगे इसके कि बहुत विशाल पर्वत है, तो भाई ये विंध्य पर्वत है जिसके ऊपर ये किला 800 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये किला स्थित है। तो आप देख सकते हो अभी तो हम लोग ऊपर हैं तो नीचे वहाँ तक किला है, तो भाई वहाँ से सोचो कि उधर में नीचे से ऊंचाई 800 फीट की ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा ऐसे ही नहीं भाई, इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से कंपेयर किया जाता है। तो भाई इसकी संख्या बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, बहुत सी ज़्यादा हैं जो टूट भी गई हैं, पर कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होगे इधर भी और इधर भी। दोस्तों आप जो ये किला देख रहे हैं ये असल में 5वीं सेंचुरी का है और इस किले का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है आपको। आप अगर आप महाभारत आपने पढ़ी होगी या आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो भाई अगर आपने महाभारत कायदे से पढ़ी होगी आपको पूरे एक एक चीज़ याद होंगे, तो आपको इस कलिंजर किले का उल्लेख ज़रूर आपको मिला होगा महाभारत में। तो भाई जो सामने जो ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये मशहूर नीलकंठ मंदिर है जो कि चंदेल वंश के राजा आखिरी राजा परमादित्य ने बनवाया था। जैसे कि दोस्तों आप ये पूरा किला देख रहे हैं, इस किले में बुंदेलखंड के चंदेल वंश के राजाओं ने कम से कम नहीं 400 साल तक शासन किया इस किले में। और भाई उनके शासन काल में बहुत से राजाओं ने आक्रमण किए पर जल्दी जीत नहीं पाए। सबसे मेन चीज़ क्या है इस किले की, ये किला जो है अपना समुद्र मंथन के टाइम से है, जब भगवान शिव ने समुद्र विष पिया था पूरा, तो उनके गले में जब जलन हुई थी तो वो इधर ही आके तपस्या किए थे ये। तो दोस्तों ये अभी तक के अपने 3 युग झेल चुका है और 4th युग अपना झेलता जा रहा है। तो भाई अब सोच लो कि जब ये 3 युग झेलने के बाद इतना बचा है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है ये चित्रकला दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो भाई ये ना अपने पूरे के पूरे 9 ग्रह हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ना इसका गला कटा हुआ राहु केतु, तो भाई ये अपने पूरे के पूरे 9 ग्रह हैं। तो भाई तो नंदी जी के कुंवर से ही मतलब शिवलिंग निकला हुआ है, तो भाई ऐसे नंदी जी आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये एक तरीके का पूरा पत्थर है और इस पत्थर में ही पूरी मतलब डिज़ाइन की गई है। अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाता है तो पूरा का पूरा पत्थर ख़राब हो जाने की वो संभावना रहती है, पर आप कला देख सकते हैं।
कि किस तरह की कला मतलब बेहतरीन तरीके से की गई है। दोस्तों आप लोग ये चित्र देख रहे होंगे, तो ये भाई समुद्र मंथन के टाइम का है। तो ये जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था तो तब का ये अवतार है। तो मतलब ये ऐसे दिखाया गया है, मोहिनी अवतार पे भगवान विष्णु है, अमृत जब बांटा जा रहा था तो जैसे कि सब लोग खड़े थे तो वैसे ये दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको एक ऐसा शिवलिंग दिखाता हूँ जो मतलब पूरे के पूरे इसमें 111 शिवलिंग हैं, मतलब पूरे पूरे 111 शिवलिंग हैं। तो आप इसमें देख सकते हो छोटे छोटे शिवलिंग, एक शिवलिंग के ऊपर ही 111 शिवलिंग पूरे बनाए हुए हैं। तो आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हो भाई गाइस, इसमें आपको छोटे छोटे शिवलिंग दिख रहे होंगे बने। दोस्तों आप जैसे कि ये देख रहे होंगे तो ये आपको मतलब कुछ और ही समझ में आ रहा होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं भाई। ये था पहले मंडप। तो भाई मतलब जैसे मंदिरों के बाहर होते थे ना हवन हवन करने के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये मंडप बना था। तो भाई ये पहले मंडप था कुछ 7 खंड का। तो जब भूकंप आया था तो भाई भूकंप में इसके 6 खंड इसके गिर गए, तो ये बचा 1 खंड का। तो भाई कुछ देख सकते हो आप, इस तरह का ये है। हम आ चुके हैं नीलकंठ मंदिर, जिसमें मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस है और यात्रियाँ बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं इस किले में। ज़्यादातर लोग घूमने के उद्देश्य से तो आते ही आते हैं, पर महाकाल के दर्शन करने भी आते हैं। तो भाई जैसे कि आपको ऊपर ये चक्र दिख रहे होंगे तो उनके बीच में आपको कुछ दिख भी रहा होगा। तो भाई ये पहले कहते हैं कि ये किला जो था पहले मतलब जो जादू टोना करते थे उनका मतलब जो वो लोग थे तो उनका भी बीच में ये केंद्र रहा है। तो भाई उस हिसाब से पहले कहते थे कि ये गेट पहले मतलब एक मंत्र के द्वारा खुलता था। तो अब मंत्र तो किसी को पता नहीं, तो ये जब से गेट खुला है तो फिर खुला ही रहता है। ऐसे हम चलते हैं मंदिर के अंदर। पर मंदिर के अंदर जाते जाते हमने देखा कि भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कला भाई बनी हुई है। अब ये समझ लीजिए कि मंदिर के अंदर जाते साथ हमको इस तरह का भी मिला, तो कुछ इस तरह का भव्य गेट है। आप देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह का व्यू है अंदर, और ये हैं अपने नीलकंठ बाबा। कहते हैं कि जब काली जी इधर पे थी, तो जब काली जी से भोले बाबा ने स्थान लिया था तो उस टाइम जब वो हटी थी तो भाई तब से मतलब इनके गले से ऐसे ये रहस्यमनी पसीना निकलता रहता है ना पंडित जी? ये कब से निकल रहा आंटी पंडित जी पसीना? ये जब समुद्र हुआ है जी, भगवान भी पी करके आए हैं जी, तब से उनके पसीने की तरह निकलता रहता है भगवान के कंठ से, यहाँ से निकलता है जी। हाँ तो आप देख सकते हैं कि उधर से बराबर अभी भी कंटिन्यू पसीना निकलता ही रहता है। तो यही है, आप बाकी शिवलिंग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर से मतलब बहुत सारी सुरंगें भी हैं। कहते यही है कि मेन जो ये जगह है इसी जगह के अंदर खजाना रहता है, ऐसा मतलब हमने पढ़ा है और हिस्ट्री में जाना है। कि ये दिख भी रहा है अंदर जाने की रास्ता, वहाँ से भी देखिए थोड़ा सा, तो मतलब होगी अब हमको पता नहीं पर ऐसा कहते हैं। कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ये है काल भैरव मंदिर। कहते हैं कि जब तक नीलकंठ बाबा के दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप इनके दर्शन नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मतलब इस ये छोटी सी गुफा में ये बनाया हुआ है भाई, और हम फोन के फ्लैश जलाए हैं तब ये दिख रहे हैं, अन्यथा आप देख सकते हो कि हम किस तरह की घुस के सुरंग पे आए हैं। लोग ये पानी गिरते हुए देख रहे होंगे, तो ये पानी कहते हैं कि भाई ये 1000 साल से बराबर कंटिन्यू इसी तरह पानी इस पहाड़ से रस रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिलहाल किले के नीचे। तो भाई घूमते घूमते हम दोनों के पेट में बहुत तेज मतलब चूहे कूद रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने जब नीचे आए तो भाई
हमने देखा तो ज्यादातर हमको क्या दिख रहा था कि चाट समोसे। तो भाई हमने कहा समोसे कौन खाए यार, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा चटपटा चीज खाते हैं। तो हमने भाई चाट बनवाई अंकल जी से, जैसे कि आप देख रहे होंगे अंकल जी हैं। थोड़ा सा अंकल जी इस पे भी डाल दीजिए, बस। हाँ तो बस ये देखो भाई कुछ इस तरह की चाट है। अब मुंह में तो बहुत जोर का पानी आ रहा है क्योंकि पता है बहुत तेज से भूख लगी है भाई। अब खाते हैं, देर से लगे तो अब रहा नहीं जा रहा क्योंकि भाई देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। खा के देखते हैं कैसा है। इस कदर भूख लगी हुई, सब अच्छा लग रहा है। काफ़ी टेस्टी है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं बांदा, जैसे ही हम अपने आ चुके हैं ढाबा। तो भाई ढाबा में हम जैसे आए तो भाई को निकलना था, तो भाई चला गया अपना गाड़ी लेके। तो दोस्तों आज का कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। तो भाई रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हो तो भाई इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।